हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आकाश अग्रवाल और आप देख रहे हैं एट माय क्लीन हार्ट। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि पीपीआई मनी ट्रांसफ़र किस तरह से की जाएगी और इसमें हम किस तरह से हम काम कर सकते हैं। मनी ट्रांसफ़र में आपको पता होगा कि एक मार्च से आरबीआई ने वॉलेट पे गाइडलाइंस डाली है कि बिना ईकेवाईसी के मनी ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। अब किसी भी कस्टमर को मनी ट्रांसफ़र या एक खाते से दूसरे खाते में पेमेंट ट्रांसफ़र करने हैं तो उसके लिए उसे ईकेवाईसी करवाना ही होगा। तो आज हम आपको प्रोसेस बताएंगे कि एक्सप्रेसो में मनी ट्रांसफ़र कैसे की जाती है। उसके लिए आपने अपना एक्सप्रेसो साइट लॉगिन किया, फिर कैंसिल करें। कैंसिल करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका अवेलेबल बैलेंस शो कर रहा है। यहाँ पर आप जितने भी वॉलेट टॉपअप करते हैं बैलेंस शो करेगा। उसके बाद आप जाएंगे सर्विसेज में, सर्विसेज ओपन कर लें। सर्विसेज ओपन होने के बाद मनी ट्रांसफ़र में जाएंगे, न्यू मनी ट्रांसफ़र ओपन कर लें। और मनी ट्रांसफ़र ओपन करने के बाद आप यहाँ पे जो आपके पास पैसा भेजने आ रहे कस्टमर, तो उनके पास मोबाइल होना ज़रूरी है, ना कि अकाउंट होल्डर का या थर्ड पार्टी का, जो सामने उसी मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। मोबाइल में इंटर करने के बाद आप उसे गो करेंगे ऐड करने के लिए। गो करने के बाद सेंडर का नेम, जो आपके पास पेमेंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं उनका नाम और पिन कोड, आप जिस स्टेट में हैं उस स्टेट का पिन कोड इंटर करेंगे। जिसका लोकेशन है आपका उसे एनरोल करें। एनरोल करने के बाद सेंडर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, उसे ओके करें। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं कि ऐड का ऑप्शन है, ऐड करें। ऐड करने के बाद आप किसी भी बैंक का ट्रांसफ़र करना हो बैंक सेलेक्ट करें और आईएफएससी कोड की ज़रूरत नहीं होती है। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके स्क्रीन पे आईएफएससी कोड शो करेगा, तो हमें किसी भी कस्टमर से आईएफएससी कोड लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसका अकाउंट नंबर और बैंक का नाम। तो आप यहाँ अकाउंट नंबर इंटर करें। अकाउंट नंबर इंटर करने के बाद आप गेट रिसिप्ट नेम, गेट रिसिप्ट में हम सही अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकें इसके लिए बैंक ने हमें गेट रिसिप्ट नेम ऑप्शन दिया है, जिससे हम गेट रिसिप्ट ऑप्शन लेने के बाद हम सही अकाउंट होल्डर का नाम चेक कर सकते हैं। तो अकाउंट नंबर इंटर करने के बाद आप यहाँ पे मिस्टर एक्स 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 डालिए। उसके बाद आप गेट रिसिप्ट करें, वैलिडेट। और वैलिडेट करने के बाद आप देख सकते हैं जो हमने गलत नाम डाला था वो करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं बेनिफिशियरी नेम ओके, नाम सही है। अगर फेल्ड होता है तो नाम गलत है तो आप अकाउंट में ट्रांसफ़र ना करें। उसे ओके करने के बाद नीचे आप सेम बेनिफिशियरी मोबाइल नंबर डालें और सबमिट करें। सबमिट करने के बाद बेनिफिशियरी के मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है, आप उस कस्टमर से OTP लेके यहाँ पे इंटर करें। और सबमिट करें। सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं बेनिफिशियरी ऐड हो गया, आप उसे सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो भी अमाउंट आपको ट्रांसफ़र करना है वो अमाउंट आप यहाँ इंटर करें। इंटर करने के बाद आपको चार्जेस शो करेंगे कि क्या चार्जेस लग रहे हैं। उसके बाद ओके करें और ओके करने के बाद मनी ट्रांसफ़र सेंड हो गया है। ओके करने से पहले आप चेक कर लें अकाउंट नंबर सही है या नहीं। अकाउंट नंबर चेक करने के बाद आप देख सकते हैं कि मनी ट्रांसफ़र हो गया है। आपके पास 49,000 की बैलेंस है, एक मोबाइल से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपने 1,000 रुपये ट्रांसफ़र कर चुके हैं और इसी तरह आप देख सकते हैं कि आप एक मोबाइल से मंथली 49,000 ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपना व्यू क्लोज करता हूं। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच वाचिंग द चैनल रन एट माय क्लीन हार्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और एक्सप्रेसो की बाकी सारी हेल्प लेकर आएंगे और सारे न्यू अपडेट, जिससे आपको काम करने में काफ़ी इजी वे पे वर्क कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और थैंक यू सो मच अगेन वाचिंग द चैनल रन एट माय क्लीन हार्ट। थैंक यू एवरीवन।